कोरोना काल की शुरुआत से लेकर अब तक हरियाणा बिजली विभाग का डिफॉल्टर उपभोक्ताओं पर करोड़ों रुपए का बिजली बिल बकाया है, जिसके चलते विभाग आर्थिक तौर पर भारी नुकसान झेल रहा है। बता दें कि डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को बिजली विभाग बकाया भरने के लिए कई बार सरचार्ज माफी व किश्तों में पैसे भरने की छूट दे चुका है, लेकिन अब ऐसे उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग सख्त होता हुआ नजर आ रहा है। अम्बाला बिजली विभाग अब बकाया बिल न भरने वालों के कनेक्शन काट रहा है। बता दें कि अम्बाला में हर रोज 150 से ज्यादा कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इस मुहिम के चलते बिजली विभाग एक सप्ताह में 5 करोड़ रुपए रिकवर करने में सफल हो चुका है, जिसके बारे में जानकारी देते हुए एक्सीएन सुखबीर ने बताया कि अम्बाला में कमर्शियल डोमेस्टिक इंडस्ट्री उपभोक्ताओं पर 30 करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया है। अब डिफॉल्टरों से पार्ट पेमेंट नहीं ली जा रही, उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि विभिन्न सरकारी दफ्तरों पर भी करोड़ों का बिजली बिल बकाया है। बिजली विभाग में अभी यहाँ अगर अम्बाला सिटी की बात करूँ तो अम्बाला सिटी में हमारा तकरीबन 30 करोड़ के हिसाब डिफॉल्टिंग अमाउंट खड़ा है, जो कि हमने कंज्यूमर से लेना है, जिसमें कि हमारे कमर्शियल हैं, दुकानें जैसे हैं, उनका 6 करोड़ रुपए के से ज़्यादा की अमाउंट खड़ी है। इंडस्ट्री में भी कुछ अमाउंट है 2-2.5 करोड़ रुपए की, वो भी खड़ी हुई है। और DS में तो है ये हमारा 20 करोड़ के आसपास जो अमाउंट खड़ा है, जो आम रूरल घरों का है। तो इसके लिए हमने अभी पीछे ड्राइव चलाया है, डिस्कनेक्शन है। हमने एक तो NDS और जो LT कैटेगरी, इंडस्ट्रियल कैटेगरी में हमने एक तो पार्ट पेमेंट्स, यही विभाग का ऑर्डर है कि अभी पार्ट पेमेंट्स कोई नहीं ली जाएगी। इन दो कैटेगरीज में हमने पूरी अमाउंट लेंगे। किसी का बिल डिस्प्यूट है या किसी का और इशू है, उस केस में पार्ट पेमेंट अलाउड है। अदरवाइज अगर बिल उसका ओके का है तो उस केस में पार्ट पेमेंट अलाउड नहीं है। और DS कैटेगरी में भी हमने पूरा अभियान चलाया हुआ है, कनेक्शन काटे जा रहे हैं, रोज़ 150 से 200 कनेक्शन अम्बाला शहर के अंदर काटे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा भी निकल गया, कुछ ऐसे भी कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने अभी 1.5-2 साल से पैसे नहीं भरे, तो उन पे एक्शन लिया जा रहा है। और आगे भी ये ड्राइव हमारा जारी रहेगा अगले महीने भी इसी तरह से। तो मैं अपील करूँगा, एक तो जो भी हमारे उपभोक्ता हैं वो अपना बिल, अपना बिजली का है, वो टाइमली अदा करते हैं। हमने जैसे मैं पिछले एक वीक की बात बताऊं तो पिछले एक वीक में हमें तकरीबन 5 करोड़ रुपए की रिकवरी की है डिफॉल्टिंग की, और इसे डिस्कनेक्शंस करके ही करी है। जब डिस्कनेक्शंस करने जाते हैं तकरीबन कुछ ऐसा है इफेक्ट है कि वहीं तभी पैसा आता है जब डिस्कनेक्शन करते हैं। इसे अपील करी जा रहे हैं, फ़ोन भी वैसे तो करी जा रहे हैं, हमारे ऑफिसर से फ़ोन जा रहे हैं सभी उपभोक्ता को, लेकिन रिकवरी नहीं आ रही है। तो इसलिए हमारी टीमें सारी हमने कर दी हैं, सारे लड़के फील्ड में डिप्यूट कर दिए हैं और अपने अपने एरिया में डिस्कनेक्ट। इसमें मैं अगर सबसे मेजर बात करूं तो मिनी सेक्रेटरीट का हमारा 33 लाख के आसपास रुपया खड़ा है, जिसके लिए वैसे हमारी बात हो गई है, हमने SDM साहब से बात करी थी, वही उनके इंचार्ज हैं उधर मिनी सेक्रेटरीट में, तो उन्होंने उसको प्रोसेस कर दिया है, होपफुली वो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। बाकी कुछ पब्लिक हेल्थ के छोटे हैं अमाउंट्स, वो भी आ रही हैं वैसे तो, और कुछ पंचायत डिपार्टमेंट की तरफ कुछ पैसे खड़े हैं, ग्राम पंचायतों के खड़े हैं, 20-1 लाख रुपया उनका खड़ा है, और बाकी इरिगेशन से भी थोड़ा बहुत अमाउंट खड़ा है, और ज़्यादा कोई मेजर अमाउंट नहीं है। मार्केटिंग बोर्ड का और हमारे पास 20-1 लाख रुपया उनसे लेना बनता है, तो वो हमने उनको नोटिस सबको जारी कर दिए हैं, और ये उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम ये ड्राइव जारी रहेगा, क्योंकि हमारा एनुअल जो टारगेट्स होते हैं जिसके ऊपर बिजली विभाग को दिए गए हैं ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से, तो उनको अचीव करने के लिए हमने हर सब डिविज़न में हमारे टारगेट्स हैं, रिकवरी के भी टारगेट्स हैं और लॉसेस के भी टारगेट हैं, तो उनको अचीव करने के लिए ये 2 महीने हमारा ड्राइव जारी रहेगा। एक तो चोरी पकड़ने का और दूसरा ये रिकवरी का, ये 2 ड्राइव हमारे पूरे जोर शोर से चलेंगे। बड़ी हैरानी वाली बात है कि अम्बाला में मिनी सेक्रेटरीएट, पब्लिक हेल्थ, पंचायत विभाग, सिंचाई विभाग, मार्केट बोर्ड व अन्य दफ्तरों पर करोड़ों रुपए का बिजली बिल बकाया है। इस बारे में जब हमने SDM हितेश कुमार से बात की तो उन्होंने बताया कि बिजली विभाग का पत्र मिलने के बाद ऊपरी विभाग को सूचना दे दी गई है और जल्द ही सभी विभागों के बिजली बिलों के भुगतान कर दिए जाएंगे। हाँ, ये मैटर मेरे संज्ञान में आया था, अभी एक्शन साहब के यहाँ UHB एक्शन से एक लेटर भी आ रखा है कि हमारा बिल काफ़ी पेंडिंग है तो उसको जल्दी से जल्दी भरें, तो मैंने उसमें पता करवाया कि एक्चुअली काफ़ी टाइम से हेड में पैसा नहीं आ रखा था, तो इसलिए पे नहीं किया गया था। अब हेड में एक लेटर लिख दिया गया है, हेड में जल्दी से जल्दी पैसा मंगवा के और जो जितना भी बिल बनता है उसको पे करेंगे टाइमली। एंड नॉट ओनली मिनी सेक्रेटरीएट, अदर डिपार्टमेंट्स को भी उन्होंने नोटिस भेजे हैं और सारे जल्दी से जल्दी उसको पे करेंगे।